क्या नाम है आपका? नाम बताओ अपना, क्या नाम है? गुस्सा बहुत ज्यादा है। अभी गुस्सा ठीक हो जाएगा, जो चीजें तोड़ता है ना, बाल खींचता है, इस दफा में वो भी फर्क आएगा। बोलो मामा, बोलो मामा, मामा, चाचू, दादा, बोलो यार, दादा, दादी, दादी, दसी, सही बोलो, पापा, पापा, मामा, मामा, बाबू, बाबू, दादी, दादी, चाचू, चाचू, वसी, चीज। इंशाल्लाह ये बाकी की भी इसकी ना आवाज़ साफ हो जाएगी ऐसा ऐसा, ठीक है ना? हाँ समझ आएगी। अभी अभी इसको मसाइल हैं थोड़े से, इसके दांत जो है ना ये भी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे, लेकिन इसको कम से कम 3-4 माह लगेंगे। ये जो दांत ये देखे ना ऊपर से थोड़े से थोड़े तेज तेज नुकीले से हैं, ये भी फर्क पड़ेगा इंशाल्लाह, ठीक है ना जी? आप कितना इसमें बेहतरी महसूस करते हैं जो आप समझते हैं इसको? ठीक है नहीं? 50%, 30%, 40%, 20% ना? तो ये जो आप दवाई दी ना, इससे इंशाल्लाह ये ज़्यादा करेगा फ़र्क बोलने में। बाकी चीज़ें भी जब पहली दवाई दी है ना, जो मैंने यहाँ पिलाई थी पिछले महीने, उससे अभी अगले महीने तक यानी कि एक महीना और गुजरने तक वो काम करती रहेगी इसकी बॉडी के अंदर, ठीक है ना? वो भी रिकवर करती रहेगी, ये भी करते रहेगी, ठीक है ना? वो अभी उसने एक महीना हुआ ना, एक महीना और काम करना है। जब उसने एक महीना पूरा काम किया ना, फिर हम देखेंगे कि ये कितना बेहतर हुआ है, कितना बाकी रह गया, ठीक है ना? अगर आपको लगे कि 100% ठीक हो गया है तो दोबारा नहीं आना, नॉर्मल बच्चों की तरह भागना, चलना, फिरना, वो बोलना, बातें करना, सब कुछ उसी तरह हो, फिर आपने दोबारा नहीं आना, ठीक है ना? अगर कोई मसला मसायल रहे तो फिर आपने, ठीक है ना? इधर लाए उसको पकड़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अख्तर, फास्ट हील होम्योपैथिक क्लिनिक, पैरागॉन सिटी, बिलमुकाबल, गेट नंबर 2, मेन बरकी रोड, लाहौर, एंड अख्तर क्लासिकल होम्योपैथिक केयर सेंटर, बहावल नगर की जानब से मैं आपके साथ मुखातब हूँ। आज जो मैंने आपको केस शेयर किया है, आपके साथ एक केस शेयर किया है, ये एक सिपी चाइल्ड बच्चा था, बोलता नहीं था, बोल नहीं सकता था, और उसके बाद इसको चलने में तकलीफ़ थी, थोड़ा सा पेट इसका बड़ा हुआ था, और गुस्सा बहुत ज़्यादा करता था, चिड़चिड़ापन बहुत था इसके अंदर, मारता था, अपने बाल खींचता था, और भी इसके अंदर मसाइल थे। तो अल्लाह जल्ला जलालहू ने अपनी कुदरत से होम्योपैथिक दवा के ज़रिए इसको शिफा दी, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी कुदरत से होम्योपैथिक दवा के अंदर शिफा रखी है, इसलिए कि अल्लाह हर चीज़ पर कादर है, तो वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है, तो उसने ये कुदरत अपनी कुदरत से होम्योपैथिक दवा के अंदर शिफा रखी है। अब माजूर बच्चे क्यों बीमार होते हैं, हम क्यों बीमार होते हैं, बड़े क्यों बीमार होते हैं, उनके पीछे जो रीज़न्स हैं वो 5-6 रीज़न्स हैं, 5-6 वजूहात हैं। अगर हम उनको दूर कर लें तो हम बहुत सी मुश्किलात से, मुसीबतों से, परेशानियों से, बीमारियों से बच सकते हैं। एक तो हमारा पैसा ज़ाया नहीं होगा, एक हमें मुसीबतें नहीं आएंगी, बीमारियाँ नहीं होंगी, और एक हमारी सेहत अच्छी होगी और तंदुरुस्ती रहेगी हमेशा, मुश्किल और दायमी सेहत पाएंगे। नंबर एक, हम अपनी ज़िंदगी से हसद को निकाल दें। नंबर 2, कीना को निकाल दें। नंबर 3, बुगस को निकाल दें। नंबर 4, केमिकल को निकाल दें, यानी खाने पीने की चीज़ों के अंदर ख्याल करें कि कौन सी चीज़ अच्छी है जो हलाल होने के साथ साथ खालस भी हो। फिर अपने इन्वायरमेंट, माहौल का ख्याल रखें, किसी को टॉर्चर ना करें, किसी को टेंशन ना दें, किसी को डिप्रेशन ना दें, और ख़ुद भी ना लें, और ख़ुद भी इन चीज़ों से बचें। उसके बाद गैर फितरी सेक्स से बचें।
जब हम इन तमाम चीज़ों पर अमल करेंगे, इन तमाम वजूहात से बचेंगे, तो फिर हमें जो है फ़ायदे होंगे। वो क्या क्या होंगे? हमारे बच्चे सेहतमंद पैदा होंगे, अच्छे बच्चे पैदा होंगे, खूबसूरत बच्चे पैदा होंगे, प्यारे बच्चे पैदा होंगे, और हम खुद भी बड़ी बड़ी बीमारियों से, हार्ट अटैक से, ब्लड प्रेशर से, कैंसर से, कोलेस्ट्रॉल से, ट्राइग्लिसराइड से, इन तमाम चीज़ों से बच जाएंगे। अब देखें ये बीमारियां कैसे डिवेलप होती हैं। शैतान हमारा दुश्मन है, हम सभी लोग समझते हैं, लेकिन शैतान ने कभी रिज़क का इन चीज़ों पर मुतालबा नहीं किया। उसने हसद किया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कि ये तो मिट्टी का बना हुआ है, मैं आग का बना हुआ हूँ, मैं क्यों इसको सजदा करूँ, ये तो कमतर है, मैं आला हूँ। इसी तरह वो अपनी तमाम सिफात हमारे अंदर कन्वर्ट कर रहा है, हमें ट्रांसफ़र कर रहा है, और हम उस पर लग चुके हैं और उसको फॉलो कर रहे हैं, उसके हमें नुकसान उठाने पड़ रहे हैं जैसे शैतान को नुकसान उठाना पड़ा। हसद की ना बुगस क्या है कि जैसे हम कंपैरिजन करते हैं बच्चों का बच्चों के साथ, बड़ों का घर के साथ, गाड़ी का गाड़ी के साथ, और इसी तरह दूसरी चीज़ों में हम एक दूसरे के साथ जब कंपैरिजन करते हैं, फिर उसको सोचते हैं, फिर वो चीज़ें हमें बार बार दिमाग के अंदर क्लिक होती हैं, फिर उसकी टेंशन बन जाती है, टेंशनें बढ़ती हैं, स्ट्रेस बढ़ता है, परेशानियां बढ़ती हैं कि ये चीज़ हमारे पास क्यों नहीं है, ये चीज़ कम क्यों है, हमारे बच्चे खेल इस तरह कमज़ोर क्यों हैं, ये पीछे क्यों हैं। जब हम ये बार बार सोचते हैं तो उनके असरात हम पर भी पड़ते हैं और बच्चों पर भी पड़ते हैं। ऐसे ही फिर बीमारियां डेवलप होना शुरू होती हैं। जब हमारी रूह बीमार हो जाती है, हमारा बैलेंस चला जाता है, तो फिर ऐसा ऐसा हमारा जिस्म जो है हम फिज़िकली भी बीमार होना शुरू हो जाते हैं, जिससे फिर बच्चे भी बीमार पैदा होते हैं, माजूर पैदा होते हैं, उसके बाद उनको बड़े मसाइल लग जाते हैं, हमें लग जाते हैं, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ब्लड प्रेशर, पता नहीं कितनी कितनी बीमारियाँ दुनिया के अंदर हैं, वो सारी लग जाते हैं। जब हम गुनाह करते हैं उसी वक्त से हमारी जो है रूह बीमार होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हम कुदरत को फॉलो नहीं करते, कानून कुदरत के बनाए हुए कानून को फॉलो नहीं करते, समझते हुए उसे छोड़ देते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे लिए कानून बनाए हैं कि ये चीज़ें आपने खानी है, ये नहीं खानी, ये काम करने हैं, ये नहीं करने। फिर उसके लिए पैगम्बर भेजे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, उसने हमें बताया कि किस तरह हमने ज़िंदगी को गुजारना है। क्या हम उसके मुताबिक गुजार रहे हैं? नहीं गुजार रहे, तो उस वजह से हमें ये तमाम परेशानियों का, मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मेरी आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि हम अल्लाह को समझें, उसके बनाए हुए कानून को समझें और फितरत को समझें, फितरत के मुताबिक, कुदरत के मुताबिक अपना काम करें। जिन बातों से अल्लाह ताला ने मना किया उन बातों से रुकें, जिन बातों की अल्लाह ताला ने हुक्म दिया उनको करें। जब हम ये करेंगे तो फिर हमारी ज़िंदगी से काफ़ी सारे मसाइल, परेशानियां, मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी, ये बीमारियां भी ख़त्म हो जाएंगी, हमारे पैसे बच जाएंगे जो हम सुबह से शाम तक कमाते हैं, शाम को हम डॉक्टरों को दे देते हैं, टेस्टों पे लगा देते हैं, ये सारे हमें बचेंगे, हमारे रिज़्क के अंदर बरकतें आएंगी, रहमतें आएंगी। तो तब कब आएंगी? जब हम कानून को फॉलो करेंगे, कुदरत को फॉलो करेंगे, उसके बनाए हुए कानून के मुताबिक चलेंगे, तो तब हमें ये सारे फायदे होंगे। इसलिए मेरी आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग समझें, उन तक ये पैगाम पहुँचे, वो देखें, तो हम मुसीबतों और परेशानियों से बचें और हमारे बच्चों का भी इलाज हो जाए। दूसरी बात कि ये अब भी आपने इलाज करवाना है तो किसी होम्योपैथ डॉक्टर से करवाना है, क्योंकि होम्योपैथी के अंदर अल्लाह जल्ला जलालु ने अपनी कुदरत से शिफाए कामला, मुकम्मल, मुस्तकिल, दायमी शिफा रखी है। ये मरीज़ों को मुश्किल ठीक करती है, क्योंकि ये फितरत के मुताबिक है, उसके कानून के मुताबिक है, इंसान के मिजाज को समझ कर, उसके रवैये को समझ कर, उसके ख्यालात को समझ कर, उसके एहसासात को समझ कर, उसकी तमाम अलामात को समझ कर इलाज किया जाता है। जब उसकी तमाम चीज़ों को समझ कर जो इलाज किया जाता है वो ऑथेंटिक इलाज है, साइंटिफिक इलाज होता है। तो उससे क्या होता है, जैसे ही उसकी तमाम अलामात ख़त्म हो जाती हैं तो मरीज़ ठीक हो जाता है, मुश्किल ठीक हो जाता है। तो इसलिए तमाम दोस्तों से गुजारिश है किसी अच्छे पढ़े लिखे होम्योपैथ से अपना इलाज करवाएं। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को फ़ायदा हो जाए। मुझे इजाज़त दें जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।